जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठड़ी ढोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साँचा तू जाना को कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला फेरा राजा हो या रंग सभी सभी का अंत एक सा होई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को बाहर की तू माटी फाके मन के भीतर क्यों ना जाके उजले तन पर मान किया उजले तन पर किया और मन की मैल न धोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना को गोपी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में बोल राजेंद्र कृष्ण की थी मौसीकार थी कल्याण जी आनंद जी सुनने की ख्वाहिशमंद थी जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती भट्ट और जैस्मीन भट्ट कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा और नितिन शर्मा काशी निवास बंगाली पंजा महाराज से भारती प्रकाश रंबाडे जानवी रंबाडे और हर्षल रंबाडे नागपुर से टोनी बोरकर और ललिता बोरकर नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम और रूबीना वसीम गोकुलधाम राजकोट से मयूर देवर श्रद्धा और पंकज आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा और योगेश शर्मा
राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। और शामिल लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, कोहरा फिल्म का नगमा। बोल कैफी आजमी के हैं, मौसीकार हैं हेमंत कुमार। सुनने की ख्वाहिशमंद हैं आप सब। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्य मस्कीन। राहटगांव के मपरावती महाराज से श्याम किटे, वंदना किटे और कार्तिक किटे। कायमगंज पितौरा से यावर खुर्शीद, समीर खुर्शीद और जुबैर खुर्शीद। लगान पंडारिया छत्तीसगढ़ से श्रीमती रखमानी बघेल, उत्तम कुमार बघेल और साहिल। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे। जवाहर मार्केट मलकापुर से मधुकर कांबले और अनुराधा कांबले। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल, आशय सपकाल और विशाल सपकाल। रघुवीर नगर नई दिल्ली से दिलावर खान और हसीना बानो। गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी। नागलोई दिल्ली से मानसिंह सीलन, सुनीता और भैरवी। Oh,
सुनी तलत महमूद को फिल्म है अदले जहांगीर, मौसीकार हैं पंडित हुसन लाल भगत राम, सुनना चाहते हैं अमीर खुसरो रोड गंडुनवारा से अरमान शेख, लारेब शेख और बहारुल हुसैन, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी, रेलवे रोड गंडुनवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बीबी फातिमा शेख, ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, आरसी नगर डापकी रोड अकोला महाराज से अनिल मावले, सुनील मावले और सीमा मावले, फुलांग निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर और मनविंदर सिंह पांडा, शाहूनगर यावतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर और रोशनी मनवर, रामगढ़ कैंट झारखंड से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब और विक्रांत मोदी, सांगली जिला जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत हुजरे, चनेसर गोट कराची से रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री और अरशद हुसैन भाई, और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत और राशि रक्षित। न तो मिल के गए, नहीं छोड़ा निशा, ले मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहां, न वो लेला रही न वो मैं मिल रहा, वो लेला रही न वो मैं मिल रहा, पास मंजिल के आके लुटा करवा, वो लुटा करवा, ए मेरी जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशा, ए मेरी जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ, तारे नहीं गम के आंसू है ये सितारे नहीं गम के आंसू है ये, रो रहा है मेरे हाल पर आसमां, हाल पर आसमां, ए मेरी जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशा, ए मेरी जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ, तुमसे मिलते ही मस्ती में खोए थे हम,
से मिलते ही मस्ती में खोए थे हम, आँख खोली तो जड़ा हुआ था जहाँ, अब मैं जाऊँ कहाँ, ऐ मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूँ कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशा, ऐ मेरी जिंदगी तुझे आप सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओपी नैयर की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है मेरे सनम। सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक और स्वीट बेबी गाविया। नवापुरा कोला से गणेश बिराड़, वर्षा बिराड़ और अनुराग बिराड़। और यह जनाब अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी राका और श्रीमती चित्ररानी कुलकर्णी। बल्लीगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दीवानगन, कृष्णा दीवानगन और हेमलता दीवानगन। भट्टापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव और डॉक्टर बसंत कुमार बुर्गू। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चनाताई गोंडानी और पढ़ने। सोलापुर महाराष्ट्र से नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा सोलापुर महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल। कलनगंज खंडवासी कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हीना सईद खोकर। और यहीं जनाब नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, वसीम और मतीन भाई। दे मेरी आँखों
सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाए रवि ने, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म है टावर हाउस। सुनना चाहते हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और शेख रही मन्ना। बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली और मीना श्रीमाली। छोटी बलिया कडियत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। कापासेड़ा नई दिल्ली से अस्मा परवीन, आमना परवीन और आशु अहमद फूलवाले। बिशनपुर गिरडी झारखंड से जनाब इंतजार इमाम, ताहिरा परवीन और डॉक्टर आसिफ रजा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित कुमार राय। कृष्ण कॉलोनी हाजी से सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और राजू मिगलानी। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी सिन्हा और अजय कुमार सिन्हा। सुनिए मुकेश की आवाज में कुमारी फिल्म का नगमा, मौसीकार एस एन त्रिपाठी। सुनना चाहते हैं
नेहरू चौक पीठन से सुरेश, क्या नाम, सुरेश जायसवाल, अनिता यादव, सुरेश यादव और प्रसाद यादव, सादुल शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाल और चंद्रकला रेवाल, पटेली रोड गंडुनवारा से नुसरत बेगम, एम खलील कुरैशी और इरफान कुरैशी, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल हक लावर और जियाउल हक लावर, चांदखेड़ा अहमदाबाद से तरुणलता सागर और आनंद राज सागर। आप सबकी पसंद आपकी नजर है कुमारी फिल्म का नगमा मुकेश की आवाज में। गया वीरां ऐ मेरे दिल सुन मेरी जान ऐ मेरे दिल। आँख ने जितने सपने देखे आंसू बन कर बिखर गए, आँख ने जितने सपने देखे आंसू बन कर बिखर गए, प्यार की मंजिल रो रो पूछे प्यार के राही किधर गए, सुनी कर के ये नैनों की गलियां ऐ मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान ऐ मेरे दिल। कब पत्थर पिघला क्या कुछ करती आह मेरी, आहों से कब पत्थर पिघला क्या कुछ करती आह मेरी, उनकी मंजिल और कहीं थी और कहीं थी राह मेरी, रह गए दिल में मोहब्बत के अरमां ऐ मेरे दिल। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। शब के 11 बजे हैं, लीजिए पहले सुनिए खबरें बड़े सगीर से, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे तामिल इरशाद प्रोग्राम के कुछ और नगमे। ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनन हैदर से सुनिए खबरें बरे सगीर से। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की अजीम तकरीब की सदारत की।
उन्होंने कहा कि इस दिन को हजारों साल तक याद रखा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। उन्होंने उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए माहौलियात के मुवाफिक तर्ज जिंदगी को अपनाने की अपील की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तारीखी मौके पर श्रीलंका में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। अक्वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी ख्वातीन को काम करने पर आने से रोक रहे हैं जो गैर शादी शुदा हैं या जिनका कोई मर्द सरपरस्त नहीं है। अब खबरें तफसील से। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अजीम तकरीब मुनाकिद हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए तामीर किए गए अजीम उशान मंदिर में रसूमात की क्यादत की। वजीर आजम ने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की नकाब कुशाई की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी अजीम उशान तकरीब के दौरान रामलला की पूजा अर्चना में शरीक हुए। वजीर आजम मोदी ने इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि ये इंसानी अकदार और नज़रियात की प्राण प्रतिष्ठा है और ये आने वाले सालों में याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज एक नए दौर का आगाज हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर की तामीर ने लोगों में नया जोश भर दिया है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि इंसाफ की अलामत भगवान राम का मंदिर एक शानदार और मुनफरिद अंदाज में तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह राम की शक्ल में कौमी जज्बे का मंदिर है क्योंकि भगवान राम भारत के एतमाद, शऊर और शान की अलामत हैं। इस बात को उजागर करते हुए कि मुल्क को अगले 1000 साल के लिए भारत की बुनियाद डालनी है, वजीर आजम मोदी ने हमवतनों से कहा कि वो देव से देश, राम से राष्ट्र, देवताओं से मुल्क के लिए अपने शऊर में वसत पैदा करें। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि अजीम राम मंदिर भारत की तरक्की को जाहिर करेगा। वजीर आजम ने कहा कि आज का मौका महज एक यादगारी लम्हा नहीं है बल्कि साथ ही साथ ये भारतीय माशरे की तकमील होने का भी लम्हा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये न सिर्फ एक जीत का मौका है बल्कि इंसानियत का भी मौका है। मुख्तलिफ रियासतों में अवामी मकामात और मंदिरों में अयोध्या से प्रोग्राम की बराह रास्त नशरियात का इंतजाम किया गया था। आज के दिन अवामी मकामात और चौराहों और घरों को रोशन करके दिवाली के तौर पर मनाया गया। आसाम में गुवाहाटी में सकाफती जुलूस निकाले गए। शाम को लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए रोशन किए। आज सभी सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह पर अपनी दिली खुशी का इजहार किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम नई दिल्ली में गैर मामूली कारनामे अंजाम देने वाले 19 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अता किए। ये अवार्ड मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के 19 मुंतखब बच्चों को फन और सकाफत, शुजात, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबे में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के सिले में दिए गए हैं। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं जो उमंगों वाले 2 जिलों समेत 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और इसी महकमे के वजीर ममलकत मंजपाड़ा महेंद्र भाई भी इस मौके पर मौजूद थे। ये अवार्ड 5 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी कल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। अवार्ड पाने वाले ये बच्चे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की परेड में भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस साल यौम जमहूरिया की परेड में 26 झांकियां शामिल होंगी। 16 झांकियों का ताल्लुक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से होगा जबकि 10 झांकियों का ताल्लुक वजारतों, महकमों और मुख्तलिफ इदारों से होगा जो कर्तव्य पथ पर निकाली जाएंगी। जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की झांकियां यौम जमहूरिया की परेड में शामिल होंगी उन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना हैं।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तारीखी मौके पर श्रीलंका में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। भारतीय बरादरी के लोगों ने मिलकर कोलंबो, सीता एलिया, जाफना और दीगर मकामात पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया है। सीता एलिया में वाक़े सीता अम्मान मंदिर में खुसूसी पूजा की गई, जिसके बारे में ख्याल है कि रावण ने इसी मकाम पर देवी सीता को कैद में रखा था। कोलंबो में वाक़े सरस्वती हॉल में भी खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जहां दूरदर्शन के तवसुस से प्राण प्रतिष्ठा तकरीब बराह रास्त देखी गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा ने कहा है कि उनके इस दौरे से भारत और अक्वामे मुत्तहिदा के दरमियान राब्तों को फरोग देने, नीज भारत की तरजीहात और आलमी चैलेंजों पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। अपने दौरे के दौरान जनाब फ्रांसिस वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी मफाद के कसीर मुल्की अहम मामलात पर बातचीत करेंगे। वो राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। जनाब फ्रांसिस डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के शोबे में भारत की पेशरफ्त और तरक्की के बारे में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर जनाब फ्रांसिस महाराष्ट्र की यौम जमहूरिया परेड की तकरीब में एक मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ की बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की सूरत हाल की जायजा मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर दाखिला ने वाजे किया कि जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरकी रियासतों और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर रियासतों में दाखिली सलामती की सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। लद्दाख के करगिल में आज AN-32 कोरियर सर्विस के इफ्तिताह के साथ एक तारीखी लम्हे का आगाज हुआ है। इफ्तिताही परवाज से 11 मुसाफिरों को कामयाबी के साथ करगिल से जम्मू पहुंचाया गया और 7 मुसाफिरों को जम्मू से करगिल ले जाया गया। भारतीय फजाइया के पायलट्स की तरफ से ये परवाज शुरू की गई है। अक्वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ऐसी खवातीन को काम पर आने से रोक रहे हैं जो गैर शादी शुदा है या जिनका कोई मर्द सरपरस्त नहीं है। अक्वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान उन खवातीन पर सख्ती कर रहे हैं जो अकेले रह रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक वाकये में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की वजारत के एहलकारों ने खवातीन से कहा कि अगर वो मुलाजमत चाहती हैं तो शादी कर लें। 2021 में इक्तदार में आने के बाद तालिबान ने खवातीन को आम जगहों पर आने से रोक रखा है और लड़कियों पर 6 क्लास के बाद पढ़ाई हासिल करने पर पाबंदी लगा दी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रिथमिक जिम्नास्टिक इंफरादी मुकाबले में महाराष्ट्र की संयुक्त काले ने सोने का तमगा जीता। जम्मू कश्मीर की मुस्कान राणा चांदी का तमगा जीता और लाइफ अदला खान ने कांसे के तमगे जीते हैं। उत्तर प्रदेश के जिम्नास्टिक कोच राजा बाबू यादव ने आकाशवाणी को बताया कि भारत के जिम्नास्टिक खिलाड़ी बैन अलाक्वामी खेलों में मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आज सुबह मशरकी उत्तर प्रदेश और बिहार में गहरा कोहरा छाया रहा। उसने कहा है कि पंजाब और त्रिपुरा में भी गहरा कोहरा देखा गया, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और मगरबी बंगाल में औसत दर्जे का कोहरा छाया रहा। IMD के मुताबिक जम्मू, दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, झारखंड और साहिली आंध्र प्रदेश में निस्बतन हल्का कोहरा देखा गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की अजीम तकरीब की सदारत की। उन्होंने कहा कि इस दिन को हजारों साल तक याद रखा जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किए। उन्होंने उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए माहौलियात के मुआफिक तर्ज जिंदगी को अपनाने की अपील की। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही बरे सगीर की खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है तामिल इरशाद प्रोग्राम के कुछ और नगमे।
मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे सी रामचंद्र की मौसीकी सी सजाए नगमा, फिल्म थी देवता। सुनना चाहती थी ज्ञानेश्वर मंदिर हलनी जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका अजय पाटिल, गोठगम विसान जिला मटियारी सिंध पाकिस्तान से मोहम्मद इब्राहिम, गुलाम मुस्तफा और गुलाम मुर्तजा सुमरू, अकोला महाराज से रमेश कामले और गणेश कामले, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और प्रखर शाह, जरूर वरूड से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद प्रभा बड़ोदे, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा, और ये हैं जनाब यावतमान महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और शराबी रामटेके, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, भावना मल्होत्रा और कोयल मल्होत्रा, कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली से सुशांत प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार और लड्डू कुमारी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन की नजर है मुकेश की आवाज में परवरिश फिल्म का ये नगमा, जिसे सुनना चाहते हैं आप सब।
पटियाली रोड गंडूनवारा से मास्टर फारूक, सबीना खानम और जारा जहां। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा और विपुल कांबड़े। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे और साक्षी घटे। और ये हैं जनाब काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे और विठल सुरेशे। गणेशपुर गंडूनवारा से मास्टर मुशीर अहमद कुरैशी और रिहान अहमद कुरैशी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और योगेश कुमार। और ये जनाब रघुवीर नगर नई दिल्ली से शाजेब खान, अमान खान और अफ़ान खान। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी तोड़ दे वो वादे, भुला दे कसम तोड़ दे वो हालत पे अपनी, हमें छोड़ दे वो ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां, जब दास्ता हूँ शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आहे, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। हरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। और लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में चौधरी का चांद फिल्म का नगमा। बोल शकील बदायूनी के हैं, मौसीकार हैं रवि। सुना चाहते हैं कादरगंज रोड गंडूनवारा से शादाब शमशाद, अंदलीप खानम और सारा फातमा शेख। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। शुगर फैक्ट्री
गौराई महाराज से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और उनके सभी दोस्त। सिंध पाकिस्तान से सायमा शहर, नजमा गुल और अंबर गुल। पिंजावाला चौक गोरैया जालंधर से संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़। लेगांव रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और कल्पना कुरहाड़े। और यह जनाब सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग। शांतिनगर खरसौ कला जिला उज्जैन से असलम खान दुलावत, शबीना दुलावत और आयान दुलावत। और जनाब अगला मील यह है मस्जिद सिद्दीकिया राजकोट सौराष्ट्र से मकसूद लखानी, अनीस शब्बीर और मुबशिर लखानी। भटिंडा रोड नई मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, ये बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में मेरा लुट गया ठिकाना। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा, मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा, इधर आ गले लगा लूं तुझे गर्दिश ज़माना। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। और समय प्रोग्राम के आखिर में दाग फिल्म का नगमा तलत महमूद की आवाज में, बोल शैलेंद्र के हैं, मौसीकार शंकर जयकिशन। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गणेशपुर
गंडुनवारा इट्टा उत्तर प्रदेश से शमा परवीन शेख, बीबी मुस्कान और एम फारूक शेख। जैन मंदिरवारी गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और आसना अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी। मेन बाजार जादला टाउन से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु और रोहित संधु। पांच महाराष्ट्र से गोपाल बोचे, मंगला बोचे और पीयूष संकेत बोचे। पटियाली रोड गंडुनवारा से ए के चौराही, गुड़िया बेगम और अदनान कुरैशी। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा और विशाल खेड़ा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सलीम अख्तर और ये अगला मेल भी अलीगढ़ से, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ये हैं मोहम्मद इशराब, मोहम्मद ताजदार और मोहम्मद फामिक। आप सबकी पसंद आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद अब खत्म होता है।
ये आकाशवाणी